हेलो स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको अवकलन सिखाया जा रहा है। तो देखिए, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसी के आगे। आज का क्वेश्चन है एक्स बराबर ए कॉस थीटा, थीटा साइन थीटा, बाई बराबर ए साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा, डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले इसको उठाते हैं। हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो डीएक्स ओवर डी थीटा लिखेंगे। ए ऐसे ही रहेगा, इसका कर देंगे कॉज का करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा। अब इसको कैसे करें, इसमें पहला दूसरा बनना है, ये पहला है ये दूसरा है, तो इसमें गुणा विधि लगाएंगे। थीटा को छोड़ेंगे, डी बटे डी थीटा और साइन थीटा का करेंगे। साइन थीटा को छोड़ेंगे, डी बटे डी थीटा किसका करेंगे, इस थीटा का, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ए ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, थीटा का होगा नहीं, इसका कॉस थीटा हो जाएगा, इस थीटा का होगा नहीं साइन थीटा का, और इसका बन हो गया, लिखेंगे नहीं उसे। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ए बचा, थीटा बचा और बचा कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट उतारेंगे, बाई बराबर ए साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा, इसको करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। डी बाई बटे डी थीटा, ए को छोड़ देंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, इसमें गुणा विधि लगाएंगे, थीटा को छोड़ देंगे, गुणा विधि लगाएंगे। तो यहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से हम कर रहे हैं, थीटा को छोड़ा, हमने लिखा डी बटे डी थीटा और कॉस थीटा लिख दिया। अब कॉस थीटा को छोड़ेंगे और डी बटे डी थीटा और थीटा का करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। आप देखिए आसान है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ए ऐसे ही रहा, साइन का तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा ऐसे ही लिख दिया, कॉस थीटा का फिर से लिख देंगे, थीटा का, थीटा को छोड़ देंगे और कॉज का करेंगे, तो कॉज का हो जाएगा साइन थीटा, माइनस का होगा तो प्लस हो गया, कॉस थीटा का होगा नहीं, इस थीटा का बन हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो ए बचा और थीटा बचा और बचा साइन थीटा। समीकरण नंबर ये एक हो गई और इसको हमने दो मान लिया। यहाँ पर लिख देंगे डी बाई बटे डी थीटा, यहाँ पर भी लिख देंगे डी बाई बटे डी थीटा, यहाँ पर लिख दिया डी एक्स बटे डी थीटा। लिखेंगे समीकरण दो को भाग किससे कर रहे हैं, एक से कर रहे हैं, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि थीटा थीटा कट जाएंगे भाग करते ही, तो डी वाई वाला ऊपर आएगा, ए थीटा साइन थीटा आ गया, नीचे आएगा ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कट गया, थीटा से थीटा, ये हो गया टेन, और ये हो गया डी बाई, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरा वाला, इसी का दूसरा हिस्सा उठाते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट चैप्टर का। तो एक्स बराबर आ गया, दूसरा क्वेश्चन है एक्स बराबर ए, एक्स बराबर रूट ए और उसकी पावर है साइन इनवर्स टी। इसको कैसे करें, तो टी के सापेक्ष करेंगे, तो डी एक्स ओवर डी टी, इसका हो जाएगा रूट एक्स, इसको रूट एक्स मान लेंगे, रूट एक्स है तो इसका हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, टू रूट एक्स हो गया, साइन इनवर्स टी हो गया। ये एक्स है ना, इसको पूरे को एक्स माने तो रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इसका फिर से करेंगे जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो चाहिए उसका फिर से करेंगे, तो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है ए,
ए साइन इनवर्स, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन इनवर्स टी, और क्या आएगा, लॉग ई ए साइन इनवर्स टी का फिर से करेंगे तो आएगा 1/√1 − t² तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले का करेंगे, बाई बराबर हमारे पास क्या है, बाई बराबर है रूड ए कॉज इनवर्स टी डी बाई ओवर डी टी, इसका भी यही आएगा 1/√2 a कॉज इनवर्स टी, इसका दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉज इनवर्स टी लॉग ई ए, फिर से करेंगे तो आएगा 1/cos−t का करेंगे तो 1/√1 − t², क्योंकि ये कॉज है इसलिए माइनस आएगा। अब देखिए इसको सही से लिख देते हैं, सही रूप में लिखते हैं तो ए आएगा, फिर लिख देंगे ऊपर जो फंक्शन है वो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले नीचे, ए कॉज इनवर्स टी लॉग ई ए बटे में आएगा, ये माइनस लगा देंगे यहाँ ये वाला, बटे में आएगा 2, और ये पूरा लिख देंगे ए कॉज इनवर्स टी √1 − t². अब दोनों इक्वेशंस को भाग दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको मान लेते हैं 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 2/1, 2/1, 2 को 1 से भाग कर रहे हैं तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये वाई वाला है तो ये तो ऐसे ही आएगा, तो लिख दो ए कॉज इनवर्स टी लॉग ई ए, और ये पूरी लाइन लिख दो 2√a कॉज इनवर्स टी 1 − t² इंटू, ये पलट जाएगा क्यों, क्योंकि ये नीचे आएगा तो पलटेगा, तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर आएगा a साइन इनवर्स टी, फिर ये आएगा √1 − t², फिर आएगा a साइन इनवर्स टी और लॉग ई ए, क्या क्या कैंसिल होगा देखो, ई ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल इससे हो गया, 2b कैंसिल हो गया, इतना सब कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचा हमारे पास, बचा क्या, माइनस बचा, माइनस लिख दिया, ये बचा हमारे पास a और इसकी पावर है कॉज इनवर्स टी, ये बचा और ये बचा, इसको लिख दिया ए साइन इनवर्स टी, बटे में क्या बचा, बटे में बचा ये ए साइन इनवर्स टी, और बचा ये ए कॉज इनवर्स टी। अब ये इस रूट में है और ये बिना रूट में है, ये रूट वाला है और ये विदाउट रूट वाला है, ये विदाउट रूट वाला है, ये रूट वाला है, डिवाइड कर दो इससे, इस वाले से इसे डिवाइड कर देंगे और इस वाले से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा, ये वाला फंक्शन ऊपर आ जाएगा, तो बचेगा ए रूट में बचेगा ए कॉज इनवर्स टी, और बचेगा हमारे पास ए साइन इनवर्स टी, इधर बचेगा डी बाई डी एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऐसी रहा, और ये क्या है, ये बाई के बराबर है, देखो ये बाई के बराबर है ये, और ये क्या है, ये एक्स के बराबर है, तो यहां रख देंगे बाई और यहां रख देंगे एक्स, हमें यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। देखिए स्टूडेंट्स अब कल के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि का मतलब होता है d² / / dx² ज्ञात करना है हमें,
इन क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन हमने उठाया, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसके बराबर हमने बाई मान लिया। हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई बटे डी एक्स, और इसका हो जाएगा टू एक्स और इसका हो जाएगा थ्री। एक बार कर लिया फिर दोबारा करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा इसका, एक्स का वन हो जाएगा तो सिर्फ टू आएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बाई बराबर एक्स की पावर बीस, इसको करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर बीस पहले आ जाएगा, एक्स की पावर उन्नीस हो जाएगी। दोबारा करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो ये उन्नीस, उन्नीस दूनी अड़तीस, 380 हो जाएगा, एक्स की पावर बचेगी 18। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बच्चों करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है बाई बराबर एक्स लॉग एक्स, तो हमने लिखा बाई बराबर एक्स लॉग एक्स। क्वेश्चन में सिर्फ एक्स लॉग एक्स दिया होगा, आप बाई के बराबर मान लेंगे, मैंने पहले ही लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हल करते हैं तो उसे किसी के बराबर मानते हैं। तो बाई बराबर एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर दो पद हैं, ये पहला है ये दूसरा है, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स और एक्स को छोड़ देंगे, फिर किसका करेंगे कॉज एक्स का करेंगे, फिर कॉज एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे, तो एक्स का हो जाएगा, एक्स का होगा नहीं, इसका हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स। कॉज एक्स का होगा नहीं और इसका हो जाएगा वन, तो वन लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स। दोबारा करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का करेंगे। इसी प्रकार से अब की बार साइन एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे, और कॉज एक्स का करेंगे तो लिखेंगे डी कॉज एक्स। एक्स का होगा नहीं, साइन एक्स का हो जाए तो ये हो जाए एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। एस एक्स का होगा नहीं, ये हो जाएगा डी साइन एक्स, इसका हो जाएगा साइन एक्स। काय का साइन एक्स होगा इसका, इसका माइनस का साइन एक्स होगा, माइनस का मतलब यहाँ माइनस कर देंगे, कॉज का माइनस होता है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और ये भी साइन एक्स है तो ये टू साइन एक्स हो जाएंगे। ये आपकी बार ऐसी लिख दो, अगली बार में कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स कॉज एक्स माइनस टू साइन एक्स, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। माइनस कॉमन ले लो चाहो तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा एक्स कॉज एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये भी लिख सकते हो आप, दोनों ही सही है। देखो फिर से समझा दे रहे हैं, एक्स कॉज एक्स, एक्स को छोड़ा कॉज का किया, कॉज को छोड़ा एक्स का किया, एक्स का होगा नहीं कॉज का साइन होता है, कॉज का होगा नहीं इसका बन होता है, फिर से अब गुणा विधि इसमें लग जाएगी दोबारा में, तो माइनस हमने बाहर कर लिया, एक्स को छोड़ा साइन का करा, साइन को छोड़ा एक्स का करा, इसका करेंगे इसका दोबारा करेंगे तो दोबारा करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा, इसीलिए माइनस हो गया, माइनस ऐसी रहा एक्स का होगा नहीं, साइन का कॉज हो गया, साइन का होगा नहीं, एक्स का बन हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस हो गया, माइनस वो भी है तो माइनस माइनस जुड़ गए, माइनस कॉमन ले लिया आगे। नेक्स्ट करते हैं इसकी, इसके बाद है बाई बराबर लॉग एक्स, चौथा क्वेश्चन है बाई बराबर लॉग एक्स, लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोबारा करेंगे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन पहले, एक्स की पावर ये घट जाएगी तो दो हो जाएगी, इसे सही से लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे नीचे ले आए तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स, बाई बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स, कैसे करें, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई बटे डी एक्स, एक्स क्यूब को छोड़ देंगे डी लॉग एक्स लिखेंगे, लॉग एक्स को छोड़ देंगे डी एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब ऐसे ही रहा, लॉग एक्स का एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का इसका थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लॉग एक्स का होगा नहीं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर को दोबारा कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स कट गया तो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, भाई ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स एक्स कट गया तो एक्स दोबारा करोगे तो टू एक्स होगा, ये डी वाई डी एक्स यहीं आ गया, यहाँ लिख दो डी वाई बटे डी एक्स।
अब इसका दोबारा करोगे तो इसमें दोबारा करोगे तो कैसे करोगे, देखो लॉग एक्स छोड़ दिया इसका थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसमें क्या करो तीन ऐसे ही रहने दो, इसको एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और लॉग एक्स का कर लो। अब लॉग एक्स को छोड़ दो और एक्स स्क्वायर का कर लो। अब आपने क्या लिखा, आपने लिखा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, बटे में क्या आएगा एक्स, इसका एक्स होता है लॉग एक्स का, इसका क्या आएगा टू एक्स, और लॉग एक्स ये वाला ऐसे ही रहा, इसका टू एक्स हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये कितना हो गया एक्स, ये थ्री एक्स हो गया, एक्स एक्स कट गया थ्री एक्स हो गया, थ्री एक्स ये टू एक्स ये, तो फाइव एक्स हो गया, फाइव एक्स और टू एक्स लॉग ई एक्स या एक्स। फिर से देखो एक्स एक्स कट गया तो ये x बचा, 3x हो गया, 2x ये तो हो गया 5x, 2x ये ऐसे ही रहा, log x ऐसे ही रहा, ये आंसर आ गया। तो सब द्वितीय कोटि के हैं, द्वितीय कोटि माने सबका हम डबल डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माने दो दो बार अवकलन कर रहे हैं, हर हर क्वेश्चन का सेकंड टाइम अवकलन कर रहे हैं। पाँच चार तक करा दिए, नेक्स्ट पाँच तक करा दिए, अब ये नेक्स्ट, हाँ सब हो गए, सभी करा दिए। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बाई इक्वल टू ई एक्स साइन फाइव एक्स कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, ई एक्स को छोड़ देंगे, डी साइन फाइव एक्स लिखेंगे, अब साइन फाइव एक्स को छोड़ देंगे और डी ई एक्स लिखेंगे, डी वाई डी एक्स ऐसी रहेगा, ई एक्स का होगा नहीं, साइन फाइव एक्स का कॉज फाइव एक्स हो जाएगा, और फाइव फाइव एक्स का फिर से करेंगे तो फाइव आएगा, इसी प्रकार साइन फाइव एक्स का होगा नहीं, और ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स आएगा। यहां तक हो गया, अब दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फाइव ऐसी रहेगा, ई एक्स को छोड़ देंगे और डी कॉज फाइव एक्स लिखेंगे, अब कॉज फाइव एक्स को छोड़ देंगे और ई एक्स लिखेंगे, इतना हो गया। फिर इसका करेंगे तो इसका कैसे करेंगे, प्लस प्लस लगाएंगे, ई एक्स को छोड़ देंगे और डी साइन फाइव एक्स का करेंगे, साइन फाइव एक्स को छोड़ देंगे और डी ई एक्स का करेंगे। देखिए फिर से देखिए, इसका करा हमने तो ये आया हमारा यहाँ तक आ गया, ई एक्स को छोड़ा साइन का करा, साइन को छोड़ा ई एक्स का किया, ई एक्स को ऐसे ही रहने दिया, इसका फाइव कॉज फाइव एक्स आ गया, ई एक्स का फाइव एक्स का हो गया, ये यहाँ तक आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, ये फाइव ऐसे ही रहने दिया, इसको ई एक्स को छोड़ा कॉज फाइव एक्स लिखा, अब कॉज को छोड़ा ई एक्स लिखा, फिर प्लस ये आ गया, इसके बाद का ये आया, ई एक्स को छोड़ा साइन को लिखा, साइन को छोड़ा और ई एक्स का लिखा। अब हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, फाइव ऐसे ही रहेगा, ई एक्स का होगा नहीं, इसका हो जाएगा साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स होगा, अब काय का होगा माइनस का होगा, साइन फाइव एक्स काय का होगा माइनस का होगा, तो माइनस लिख दिया, फाइव एक्स का इसका फिर से करोगे तो यहाँ फाइव आएगा, फाइव भी आएगा, इसी प्रकार से ई एक्स का होगा नहीं तो ई एक्स आएगा और आएगा कॉज फाइव एक्स, ब्रैकेट बंद हो गई प्लस। अब इसकी बारी आई, इसकी बारी आई, ई एक्स का होगा नहीं, साइन फाइव एक्स का हो जाएगा कॉज फाइव एक्स, और ये फाइव ये इधर फाइव देगा, प्लस ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा और इसका साइन फाइव एक्स ऐसी रहेगा, तो ये आपका आंसर हो गया, द्वितीय कोटि हो गई। चाहो तो अंदर गुणा कर सकते हो, गुणा कैसे कर सकते हो, देखो गुणा आप कर सकते हो 25, ये 25 हो जाएगा और यहाँ 5 ई एक्स कर सकते हो, 5 करोगे और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, 10 कर सकते हो, बस इतना होगा और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, बाई बराबर ई सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स कैसे करेंगे, ये पहला टर्म ये दूसरा, तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, ई सिक्स एक्स को छोड़ देंगे और डी कॉज थ्री एक्स लिखेंगे, कॉज थ्री एक्स को छोड़ देंगे और डी ई सिक्स एक्स लिखेंगे, ई सिक्स एक्स से मतलब नहीं है,
होगा नहीं लेफ्ट में, इसका हो जाएगा साइन 3x, वो भी माइनस का और 3 और देगा ये, क्योंकि यहाँ 3 है, कॉस 3x का होगा नहीं, और ये e6x ऐसी रहेगा, और यहाँ 6x है तो इसलिए 6 देगा। दोबारा करेंगे तो जाएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, 3 ऐसे ही रहा, e6x को छोड़ देंगे, डी साइन 3x लिखेंगे, साइन 3x को छोड़ देंगे, डी e6x लिखेंगे। इसी प्रकार प्लस लगाएंगे, प्लस लिखेंगे 6 और क्या करेंगे इसको प्लस लगा के, ये प्लस का 6 यहाँ ले लेंगे और e6x को छोड़ देंगे, और cos 3x का करेंगे, cos 3x छोड़ देंगे और e6x का करेंगे, इतना आ गया। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम 3 को छोड़ दिया, 3 तो बाहर है, e6x का होगा नहीं, साइन 3x का cos 3x, और ये 3 देगा, साइन 3x का होगा नहीं, ये 6 देगा, यहाँ से e6x ऐसी रहेगा प्लस e6x ऐसी रहेगा, और ये 6 देगा, और ये साइन 3x ऐसी रहेगा, प्लस 6 ऐसी रहेगा, e6x का होगा नहीं, ये साइन 3x देगा, वो भी माइनस का देगा, 3 यहाँ से देगा, ये आ गया, ये e6x का e6x ही रहेगा, ये 6 देगा, cos 3x का होगा नहीं, तो ये ब्रैकेट बंद हो गई है, आपका आंसर का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहीं छोड़ दें, कंप्लीट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8 है, y बराबर टेन इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8 है y बराबर टेन इनवर्स x, कैसे करेंगे, लिखेंगे dy वाई बटे डी एक्स, टेन इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, dy वाई डी एक्स, दोबारा करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और 1 का करेंगे, फिर 1 को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे इसका, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 0 से, 1 का होगा नहीं, इसका हो जाएगा 2x, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसी रहेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया, ये माइनस के 2 हो गए और x हो गए, और ये नीचे ऐसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नवा क्वेश्चन है बाई बराबर बाई लॉग लॉग एक्स है, लॉग लॉग एक्स है, इस पूरे को एक्स मानेंगे, हाँ लॉग लॉग एक्स है, इस पूरे को एक्स मानेंगे, तो लॉग एक्स कम हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर करेंगे तो एक्स आ जाएगा। अब दोबारा करेंगे, दोबारा कैसे करेंगे, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको छोड़ देंगे एक्स लॉग एक्स को, और किसका करेंगे, वन का, फिर वन को छोड़ देंगे और किसका करेंगे, एक्स लॉग एक्स का, और इस पूरे का जो नीचे है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका जीरो, तो ये पूरा पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, वन से मतलब नहीं है, सिर्फ माइनस से मतलब है, एक्स लॉग एक्स को क्या करेंगे, एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का करेंगे, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे, फिर से देखो गुणा विधि लगा देंगे, ये पहला ये दूसरा, माइनस बाहर है, एक्स को छोड़ेंगे लॉग एक्स करेंगे, लॉग एक्स छोड़ेंगे एक्स करेंगे, नीचे की टर्म ऐसी चल रही है, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा, लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, ये इसका 1 हो जाएगा, तो सिर्फ लॉग एक्स बचेगा, और बटे में ये है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया।
देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाई बराबर साइन लॉग एक्स, बाई इक्वल टू है साइन लॉग एक्स, इसको साइन एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स ये पूरा एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉज एक्स। अब चूंकि इसे गलत पढ़ा है लॉग एक्स का फिर से करना पड़ेगा, तो लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स। तो ये सवाल क्या हो गया, अब ये डी वाई बटे डी एक्स सवाल की रूपरेखा हो गई कि कॉज लॉग एक्स बटे एक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब हमें तो दोबारा करना है, तो दोबारा कैसे करेंगे, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स को छोड़ देंगे डी और इसका करेंगे कॉज लॉग एक्स, फिर माइनस कॉज लॉग एक्स को छोड़ देंगे, कॉज लॉग एक्स को छोड़ देंगे भाई, एक्स को छोड़ा कॉज लॉग एक्स का करा, इसे छोड़ा अब इसका करेंगे एक्स का, और नीचे जो है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, माने स्क्वायर हो गया सिंगल टर्म है, तो होल स्क्वायर क्या स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा अब डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है बराबर, एक्स ऐसे ही रहा, कॉज एक्स का होता है साइन एक्स, तो इसे साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स हो गया। अब इसका फिर से करेंगे तो एक्स आएगा, और चूंकि कॉज है तो माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस ये इतना हो गया, ये फिर ये माइनस कॉज लॉग एक्स इसका बन हो जाएगा, लिखेंगे नहीं तो कॉज लॉग एक्स लिख देंगे, कॉज लॉग एक्स, और नीचे की टर्म जो चली रही है एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एक्स लॉग एक्स साइन लॉग एक्स, एक्स साइन लॉग एक्स माइनस कॉज लॉग एक्स बटे में आया एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो ये आपका आ जाएगा एक्स साइन लॉग एक्स प्लस कॉज लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया, दोबारा डेरिवेशन हो गया इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चलिए।